जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि में हम आखिरी ग्रंथि अपना पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में जनन ग्रंथि। और जनन ग्रंथि क्या है? नर व मादा के जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। ये जो जनन ग्रंथि है ये नर व मादा के जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि नर और मादा के जो जनन अंग होता है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं। तो जनन अंग ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है नर, नर में जो होता है वृषण टेस्टिज, और मादा में होता है अंडाशय अर्थात ओवरी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सभी को जानेंगे। तो क्या होता है, नर में ये वृषण के रूप में होता है और ये कहाँ होता है, वृषण गुहा में। वृषण गुहा में क्यों होता है, क्योंकि शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और शुक्राणु बनने के लिए हमें चाहिए 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस अर्थात 2 डिग्री से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हमको चाहिए। तो क्या होगा कि ये वृषण गुहा में होता है और ये उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा के बाहर होने के कारण ये क्या होता है, ये वायु के संपर्क में रहता है और ये क्या होता है, शरीर के तापमान से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस से इसमें जो गर्मी होती है वो कम होती है। ठीक है, जिसके लिए हमें शुक्राणु के लिए चाहिए। और ये वृषण होता है इसमें और मादा में होता है अंडाशय, दोनों में हम समानता दिखा रहे हैं। ये नर में क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी मतलब कि दो होता है, दो मिलाकर एक जोड़ी होता है ना। तो जैसे एक जोड़ी जूता होता है, एक जोड़ी चप्पल होता है इत्यादि, जैसे हम लोग कहते हैं दो जूतों को एक जोड़ी जूता, तो उसी प्रकार एक जोड़ी में क्या होता है, दो आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों कलम हो गया तो ये क्या हो गया, ये दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एक जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जोड़ी होता है जिसकी संख्या दो होती है, और अंडाशय भी क्या होती है, एक जोड़ी होती है। अंडाशय भी क्या होता है, एक जोड़ी होता है। ये देखिए, ये वृषण गुहा में होता है, उदर गुहा के बाहर होता है, लेकिन ये क्या होता है, उदर गुहा के अंदर होता है। कुछ जंतुओं में ये जो वृषण गुहा होता है, ये जो वृषण होता है टेस्टिज होता है, ये जनन के समय ही बाहर आता है। जब ये जनन करेंगे तभी ये बाहर आएगा, अन्यथा उनके उदर गुहा में ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका गिलहरी हो गया, चमगादड़ हो गया और इत्यादि खरगोश हो गए इत्यादि का क्या होता है, सभी मतलब आप कह सकते हैं कि सभी स्तनधारियों में वृषण गुहा में ही वृषण हो, ये जरूरी नहीं होता है। कुछ के मतलब जब जन्म के समय होता है तब वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वृषण होता है जो कि वृषण गुहा में होता है। क्यों होता है, हमने मतलब बता दिया, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की हमको कमी चाहिए, अर्थात 34 से मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए। तो इसीलिए ये उदर गुहा के बाहर होता है। ये एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी वो भी होता है। ये नर हार्मोन्स होता है और ये मादा हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये नर हार्मोन्स में से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा निकलता है एंडोस्टेरोन। जबकि मादा में 3 हार्मोन्स निकलता है, कौन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ठीक है, इसमें से कितने हार्मोन्स निकले, 2, उसमें से हार्मोन्स निकले 3। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन ये दोनों लगभग उच्चारण में समान शब्द आ रहे हैं, तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देगा, इन दोनों को रख कर और दो विकल्प दे दिया जाएगा, जिससे ये पूछ लेगा कि नर हार्मोन्स कौन है या मादा हार्मोन्स कौन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स, नर हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं, लीडिंग कोशिकाएं द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नर हार्मोन्स दो निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, इन दोनों का नियंत्रण कौन करता है, LH
इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि इस जनन ग्रंथि पर भी नियंत्रण करता है। किसके माध्यम से? एलएच के माध्यम से। एलएच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये इसका नियंत्रण करता है। और इनका भी नियंत्रण कहीं ना कहीं एलएच ही करता है। इनका भी नियंत्रण कौन करता है? एलएच ही करता है। मतलब नर हार्मोन्स हो या मादा हार्मोन्स, दोनों का नियंत्रण कौन करता है? एलएच करता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि ये हार्मोन शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? ये हार्मोन शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। निर्माण मतलब परिपक्वता, उनको पूर्ण रूप से मतलब उनका पूर्ण रूप से विकास करते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये हार्मोन शुक्राणुओं का परिपक्वता अर्थात विकास करते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब कि जो कि वह लक्षण जो मतलब नर को मादा से अलग करे। तो जानते हैं कि महिला और पुरुष में अंतर कैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि मूछ होना, दाढ़ी होना और आवाज का भारी होना और शरीर का कठोर होना इत्यादि जो होता है, ये पुरुषों का एक नर का लक्षण होता है। तो जो भी नर का लक्षण व्यक्त करे वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण में आएगा। अब आइए हम लोग इसको देखें। तो इसमें से तीन हार्मोन्स निकलता है। तो पहला हार्मोन जो है एस्ट्रोजन होता है। जो एस्ट्रोजन होता है ये स्रावित होता है ग्राफीन पुट्टक के द्वारा ये स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या होता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे कि पुरुषों को पहचानने के लिए पुरुष का अलग लक्षण होता है, वैसे ही मादा होता है, जो जैसे महिला ही ले लें तो उनका लक्षण अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि त्वचा का कोमल होना, आवाज का पतला होना, जैसे स्तन का विकास होना इत्यादि, ठीक है। ये क्या हो गया? मादा लक्षणों का विकास करता है, ठीक है। और अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। और ये क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। तो ये शुक्राणु का निर्माण करेगा और ये अंडाणु का निर्माण करेगा। और ये एस्ट्रस चक्र चलाता है, रस चक्र चलाता है। रस चक्र ह्यूमन में पाया जाता है, मतलब कि मनुष्यों में पाया जाता है, जो कि हर 28 दिन के बाद आता है, जिसे महावारी कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं इत्यादि नामों से बुलाया जाता है। तो रज चक्र किस में होता है? ह्यूमन में होता है, मतलब मनुष्य में होता है। और एस्ट्रस चक्र जो होता है ये जानवरों में होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि में। तो इसका जो मासिक चक्र होता है वो मासिक में नहीं होता है, हर महीने नहीं होता है, ये कुछ महीनों में होता है, ठीक है। और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसका स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम से। तो कार्पस ल्यूटियम से लगभग सभी का स्राव होता है, तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आपको अलग मिलेगा। तो क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का श्रावण कहाँ होता है, स्रावित कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम्स के द्वारा। इसका कार्य क्या है? ये दुग्ध ग्रंथि का विकास करता है। और ये क्या करता है? अपरा प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यदि जब बच्चा गर्भ में आएगा तो ये क्या करेगा? ये जल्दी से दूध ग्रंथि का विकास करना शुरू कर देगा और प्लेसेंटा का निर्माण कर देगा। प्लेसेंटा का मतलब आप लोग ये समझिए कि जो गर्भ में बच्चे होते हैं उनके जो नाभि होता है, जैसे बुढ़री इत्यादि, अब नाभि से जाने तो नाभि से ही गर्भनाल एक जुड़ा होता है जो कि प्लेसेंटा कहलाता है। वो प्लेसेंटा से मतलब जुड़ा होता है। तो ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ये प्लेसेंटा का निर्माण कर देगा। तो प्लेसेंटा का निर्माण किस लिए होता है? शिशु के पोषण के लिए होता है। यदि प्रश्न आ जाए कि शिशु का पोषण किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो शिशु का पोषण उस समय होगा जब प्लेसेंटा बनेगा। और प्लेसेंटा कौन बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। और यदि प्रोजेस्टेरोन का यदि कमी हो जाए तो क्या होगा? गर्भपात हो जाएगा।
प्लेसेंटा से गर्भनाल अलग हो जाएगा, जिससे कि बच्चे की पोषण नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चा गर्भ में ही बच्चे का मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। ठीक है, अब आया रिलैक्सिन, तीसरा है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है ये क्या करता है, रिलैक्सिन का भी तो कोई कार्य होगा, जब ये स्रावित हो रहा है मतलब तो इसका भी तो कुछ कार्य होगा। तो ये क्या करता है, ये गर्भाशय ग्रीवा को शिथिल करता है, मतलब ये शिशु जन्म में सहायक होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय क्या होगा कि गर्भाशय का जो ग्रीवा होगा उसे शिथिल कर देगा, शिथिल का मतलब उसे कोमल कर देगा, उसे लचीला कर देगा, जिससे कि बच्चा पैदा आराम से हो जाए। ठीक है, तो ये रिलैक्सिन इसका नाम ही रिलैक्सिन है, तो मतलब रिलैक्स करा देता है कि तो क्या होता है, गर्भाशय में जो पीड़ा होता है मादा को, उससे क्या करता है रिलैक्सिन, जल्दी से बच्चे का जन्म में सहायकता कर उसको जन्म दिलाकर उस मादा को रिलैक्स फील कराता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए। तो हम लोग क्या जाने कि जनन ग्रंथि जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नर में और दूसरा होता है मादा में। नर में जो होता है वो विषण होता है, टेस्टिज होता है, और जो मादा में होता है वो अंडाशय होता है, ओवरी होता है। और इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों की संख्या एक जोड़ी होता है, मतलब दो होता है। ठीक है, बस क्या है कि अंडाशय जो होता है ये उदर गुहा में पाया जाता है, लेकिन जो विषण होता है वे विषण गुहा में पाया जाता है। विषण गुहा क्या होता है, उदर गुहा से बाहर होता है। तो क्या होता है, विषण क्यों होता है, हमने बता दिया कि शुक्राणु के निर्माण के लिए हमारे शरीर को 37 डिग्री से कम तापमान चाहिए, कम तापमान के लिए वो वायु के संपर्क में हो जाता है, जिससे ये अपना जो तापमान है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर लेता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु का निर्माण तभी होगा जब शरीर से गर्मी जो ये विषण गुहा है इसका कम रहे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है। और इससे क्या होता है, नर हार्मोन्स निकलता है और इससे मादा हार्मोन्स निकलता है, दोनों का कार्य हमने बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।